नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। न्यूज 18 के रिपोर्टर एंकर अमीश देवगन के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र। आज तहसील बांगरमो के अधिवक्ता मुजमिल अहमद व एडवोकेट द्वारा बांगरमो थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दिनांक 15 जून 2020 को लगभग 7:30 पर न्यूज 18 पर एक डिबेट शो आयोजित किया गया था, जिसमें एंकर अमीश देवगन सहित 5 लोग डिबेट में शामिल थे, जिसका टाइटल आर पार में आप सबसे बड़ी बहस अयोध्या में मंदिर की आस पूरी था। उसी डिबेट शो के दौरान शामिल मौलाना अपनी बात को और इस्लाम की शिक्षाओं के संदर्भ में अपनी बात कह रहे थे, तभी न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन बीच में बोलते हैं कि आक्रांता चिश्ती आया, लुटेरा चिश्ती आया और उसके बाद धर्म बदले। इसी संदर्भ में अपनी बात को आगे जारी रखते हुए मौलाना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला, बल्कि लोगों ने इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम को कबूल किया। इस बात पर एंकर अमीश देवगन फिर से बोले, आज भी हो रहा है, जिसका तात्पर्य है कि आज भी तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया जा रहा है, जो अमीश देवगन द्वारा सरासर गलत और बेबुनियाद बिना किसी सबूत के इस्लाम धर्म पर इल्जाम लगाया जा रहा है। एक प्रार्थना पत्र दिया, क्या था पूरा मामला? ये हम लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया, ये 15 तारीख की घटना है। न्यूज 18 के जो है 7:30 प्रोग्राम आता है आर पार, उसमें अजमेर शरीफ के सूफी संत, बहुत ही मशहूर, पूरी दुनिया में जो जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनके खिलाफ अमीश देवगन ने अभद्र टिप्पणी की, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ प्रार्थना पत्र दिया। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।